अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू राजा टेक्निकल ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की हैप्पी बर्थडे और मंथ और ईयर कैसे चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कूल का टाइटल दिया है स्टार पब्लिक स्कूल मोरो, और उसके बाद आपको सब टाइटल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है चेक हैप्पी बर्थडे और मंथ और ईयर। उसके बाद आपको हेडिंग टाइप करनी है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कास्ट और डेट ऑफ बर्थ और हैप्पी बर्थडे और मंथ और ईयर। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप किया। उसके बाद स्टूडेंट नेम पूछ रहा है, तो उसको यहाँ पे नेम टाइप करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद कास्ट और उसके बाद अभी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी है स्टूडेंट की, तो यहाँ पे है 2/11/2002 इसकी डेट ऑफ बर्थडे है। उसके बाद अभी चेक करना है इसका हैप्पी बर्थडे कौन सा है, तो एक्यू लगाना है। तो एक्यू लगाने के बाद आपको टेक्स्ट फार्मूला टाइप करना है, फिर आपको टेप दबाना है। टेप दबाने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मेट टेक्स्ट आपको डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। उसके बाद आपको इसके अंदर आपको टाइप करना है 4 bar DDDD। उसके बाद आपको यहाँ पे टेप को क्लोज करना है, फिर आपको एंटर दबाना है, इसका जो हैप्पी बर्थडे है वो आ जाएगा। तो इस स्टूडेंट का जो हैप्पी बर्थडे है मंडे है, तो अभी इसका मंथ कौन सा है, तो ये किस मंथ को पैदा हुए थे, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो मंथ भी चेक कर सकते हैं। एक्यू लगाना है, फिर से आपको टेक्स्ट फार्मूला टाइप करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे डबल इनवर्टेड कामा लगाना है, उसके अंदर आपको टाइप करना है 4 bar MM मींस के मंथ, और उसके बाद टैब को क्लोज करना है, फिर आपको एंटर दबाना है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ जो इसका मंथ जो है फेबरवरी है, और उसके बाद ईयर इसका कौन सा है, तो आपको एक्यू लगाना है, फिर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद ही आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको डबल इनवर्टेड कामा लगाना है, इसके अंदर आपको टाइप करना है YYY 4 bar आपको टाइप करना है, तो इसके बाद इंटर दबाना है। आपके जो इसके डेट ऑफ बर्थ जो ईयर है इसका 2002 इसका डेट ऑफ बर्थ ईयर है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, आप कैसे किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी इंसान के हैप्पी बर्थडे और मंथ ईयर कैसे चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।